अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं महासचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी सुनील शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों के हितों के लिए ओल्ड पेंशन योजना के मुद्दे के पक्ष में सरकार को गंभीरता से सोचने की बात कही है। सुनील शर्मा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना और एनपीएस योजना दोनों में से किसी एक को अपनी इच्छा के अनुसार चुनने का अधिकार होना चाहिए। कांग्रेसी नेता सुनील शर्मा ने भाजपा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ओल्ड पेंशन योजना को गंभीरता पूर्वक सोचने की आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार पढ़े लिखे युवा नौजवानों को सरकारी रोजगार देने में पूरी तरह से असफल हो चुकी है और अगर पेंशन की सुविधा को भी सही रूप से परिभाषित नहीं किया गया तो आज के नौजवान का भविष्य सेवानिवृत्त होने के बाद प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ा हुआ मिलेगा। ओल्ड पेंशन योजना के तहत सरकारी मुलाजिम को सेवानिवृत्त होने पर एक सुनिश्चित फिक्स्ड पेंशन धनराशि की सुरक्षा मिलती थी। समय के अनुसार सेवानिवृत्त लोगों को महंगाई भत्ता भी मिलता था। आज की तारीख में ओल्ड पेंशन योजना को खत्म करके एनपीएस योजना को लागू किया गया है, जिसमें महंगाई भत्ते का कोई भी प्रावधान नहीं है। सुनील शर्मा ने कहा कि ओल्ड पेंशन योजना के साथ सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा भी मिलती थी, जो कि अब खत्म कर दी गई है और ये बहुत ही गहरी चिंता का विषय है। एनपीएस योजना के तहत सरकार में सेवाएं दे रहे कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने जीवन की गुजर बसर को सुरक्षित महसूस न करते हुए मानसिक यातना को झेल रहे हैं। एनपीएस में उनकी तनख्वाह का 10% कटौती का हिस्सा ही उनके लाभ के रूप में रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, जिसमें महंगाई फैक्टर को पूर्णतया नजरअंदाज कर दिया गया है। महंगाई भत्ते का कोई भी प्रावधान नहीं है, जो कि सरकारी मुलाजिमों के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सुनील शर्मा ने वर्तमान सरकार से सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में आवाज उठाई है और कहा कि सरकार को गंभीरता पूर्वक ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने के बारे में सोचना चाहिए। आज की तारीख में ओल्ड पेंशन योजना को खत्म कर दिया गया है, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी मानसिक यातना है। और मैंने ओल्ड पेंशन योजना और एनपीएस के बीच में गहन स्टडी करने के बाद ये महसूस किया है कि पहले की ओल्ड पेंशन योजना आज की तारीख की एनपीएस योजना से बेहतर थी। सरकारी मुलाजिम आज की तारीख में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। ओल्ड पेंशन योजना के तहत सरकार में सेवा देकर के जब लोग रिटायर्ड होते थे, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट की सिक्योरिटी होती थी और इसके साथ साथ जैसे जैसे महंगाई बढ़ती थी उनका डीए बढ़ता था। लेकिन एनपीएस में उनका 10% पैसा उनकी तनख्वाह से काटा जाएगा और सरकार उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड में, इक्विटी में इन्वेस्ट करेगी। अब उसमें एक फिक्स्ड सिक्योरिटी नहीं है, जो कि सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत ही चिंता का विषय बनी हुई है। एक और चिंता का विषय है, पहले एक जीपीएफ का प्रावधान होता था, एनपीएस के चलते जीपीएफ के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। आज की तारीख में एक नौजवान जिसको बहुत देरी से नौकरी मिलती है, अब कल्पना कीजिए कि जब नौजवान देरी से नौकरी प्राप्त करता है और वो जब रिटायर्ड होता है उसको फिक्स्ड अमाउंट नहीं मिलता है, एनपीएस का अमाउंट उसकी सुरक्षा के लिए एक खतरे की घंटी बना हुआ है, जिसमें महंगाई के फैक्टर को इग्नोर किया गया है। सरकार ने नौकरियों का दिवालिया वैसे ही निकाल दिया गया है। तो मैंने ये महसूस किया है कि और मैं इस बात की पैरवी करता हूं कि सरकार को ओल्ड पेंशन योजना के ऊपर एक गंभीर चिंतन करना चाहिए, इस विषय के ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि सरकारी मुलाजिम की सुरक्षा और सरकारी मुलाजिम की खुशहाली ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। ये उनका पैसा है, उनके हित हैं, उनके हितों को आपने अनदेखी करके एनपीएस की योजना जो लागू की है उससे सरकारी मुलाजिम बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इसमें अगर बहुत ही बड़ी बात है, सरकार एनपीएस को लागू करना चाहती है तो सरकारी मुलाजिम को इसकी छूट होनी चाहिए कि वो ओल्ड पेंशन योजना के अंतर्गत अपना
रिटायर्ड जीवन को जीना चाहता है या एनपीएस के तहत अपने रिटायर्ड जीवन को जीना चाहता है। इसलिए मेरी सरकार से, वर्तमान सरकार से ये पुरजोर अपील है, मांग है, एक आवाज है कि सरकार में सेवाएं दे रहे लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन के खुशहाली के लिए ओल्ड पेंशन योजना को लागू किया जाए, उसमें गंभीरता से तथ्यों के आधार के ऊपर कुछ बदलाव किए जाएं समय के अनुसार और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए ताकि सरकारी मुलाजिम अपने जीवन को रिटायर होने के बाद सुरक्षित महसूस कर सके, खुशहाली महसूस कर सके।